अब ये किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो। अबे कहाँ है कमीने? हाँ जी, कौन? बेटा 2 महीने शहर से बाहर क्या गया, तो भूल ही गया। कौन? दीपक? हाँ दीपक। कहाँ है यार आजकल तू? मैं? दरवाजा खोल, बाहर खड़ा हूँ। बाहर मतलब? अबे कमीने, घर का गेट खोल। रुक, मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। सुनो, मेरा दोस्त आया हुआ है बाहर, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अरे सुनो, दो हाँ जी, गिलास पानी ले आना एक बार। ठीक है आई। और सुना भाई, सुना है चुपके चुपके शादी कर ली और दोस्त को बुलाया तक नहीं। सही है भाई, सही है। अरे यार, बुलाता कैसे? इतनी जल्दबाजी में शादी हो गई तो खुद ही नहीं पता चला। और वैसे भी तू उसको बुलाता तो कैसे बुलाता? तू तो शहर से बाहर रहने लग गया है। क्या करता यार, एग्जाम था वो भी जरूरी था। चल छोड़, ये बता भाभी कैसी है? सही कट रही है अच्छा चल लाइफ? रहा है भाई, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। चल भाई, तू तू थक गया होगा, रेस्ट कर ले। ठीक है भाई। अरे आपको क्या हुआ? आप वहां से ऐसे क्यों चले आए? वो कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द था। अरे सर में दर्द है? लाओ मैं दबा देता हूँ। अच्छा सुनो, एक काम करो, आप दवाई लेके रेस्ट कर लो, ठीक है? मेरा दोस्त आया हुआ है, उसके लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था कर देता हूँ, ठीक है? आप रेस्ट कर लो। अरे सुनो, हाँ मेरा दोस्त आया हुआ है, आपको इससे मिलवाना था, आ जाओ एक बार। आपको पता है दीपक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम दोनों मिलकर इतनी मस्ती किया करते थे, इतनी मस्ती किया करते थे, बस पूछो ही मत। आप लोग बात करो, मैं 1 मिनट में अभी है। धोखेबाज, तूने मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ली? दीपक मेरा हाथ छोड़ो, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? अरे ऐसी भी क्या मजबूरी जो किसी और का हाथ थामना पड़े। दीपक देखो, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति ही मेरे भगवान है, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हें भूल जाऊं? ये नहीं हो सकता। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी, और इसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं कर दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दीपक? मैं अब शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी को तहस नहस मत करो। दीपक तुम अब मुझे भूल जाओ। तुम्हें भूल जाऊं? ये नहीं हो सकता। तुम्हें तो अब मुझसे ही शादी करनी होगी, वरना 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 तुम्हें याद है हमारी वो फोटो और वीडियो? फिर मैं अपने दोस्त को और तुम्हारे पति को वो सब दिखा दूंगा।
दीपक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। अरे मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को नरक नहीं बनाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं। पति हैं? मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो तुम, समझ गई? और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे पति का मर्डर कर दूंगा, मर्डर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। दीपक कैसी बात कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए? वो तुम्हारा भाई जैसा दोस्त है। भाई जैसा दोस्त है? अब तुम देखती जाओ कि मैं कितना कमीना हूँ। और वैसे भी मेरे फोन में हमारी फोटो और वीडियो, लगता है अब उसे दिखानी ही पड़ेगी। दीपक, शिवानी, लो तुम्हारा पति आ गया है। अरे आ गए आप लोग, कहाँ चले गए थे? बस कुछ नहीं, थोड़ा सा वो मैं इन्हें घर दिखा रही थी। अच्छा है, कैसा लगा? घर तो अच्छा बना लिया दोस्त। अच्छा तू अपने दोस्त को शादी की पार्टी नहीं देगा? बता यार क्या खाएगा। खाना छोड़ यार, बस मुझे तो पीना है, और इतना पीना है, इतना पीना है, बस पूछ मत। भाई भाई है तो अपना, तू जो बोले वो पिलाऊं। तू एक मिनट रुक, मैं अभी लाया। प्लीज दीपक कुछ मत करना। चुप रहो तुम, बस देखती जाओ अब। अरे यार पानी तो भूल ही गया तू। तू पानी पीने लग गया? मैं तो आज भी नहीं पी। तू रुक, मैं भी लेके आता हूँ। दीपक प्लीज कुछ मत करना, दीपक प्लीज मेरे पति को बख्श दो। चुप। ये ले मेरे दोस्त। बहुत दिनों बाद तेरे साथ पी रहा हूँ यार। अरे इसे छोड़, इसे कुछ नहीं हुआ, इसे तो अब होगा, बस देखती जा। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो छोड़ो। मुझे माफ कर दो शिवानी, दोस्त के नाम पे तुम जो मार सको। तूने मेरी मजबूरी एक भी बार पूछना जरूरी भी नहीं समझा, तूने पूछने की कोशिश भी की,